हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वीडियो कार्ड्स। तो जो वीडियो कार्ड्स हैं हमारे पीसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और ये जो वीडियो कार्ड्स हैं ये हमें पीसी को इस तरह की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो डिस्प्ले होगी इमेजेस, टेक्स्ट और ग्राफिक्स वो बेस्ट पॉसिबल वे में हमें डिस्प्ले हो। कुछ नए मदरबोर्ड्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वीडियो प्रोसेसिंग जो है, और मदरबोर्ड्स के अंदर ऑलरेडी जो वीडियो प्रोसेसिंग पहले से ही इंटीग्रेट आती है चिपसेट। सो हमें आजकल बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ़ पीसीज जो हैं उनके अंदर वीडियो एक्सपेंशन कार्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि हम वीडियो सिग्नल्स को ड्राइव कर सकें और ये हमें बेस्ट पॉसिबल इमेज प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम वीडियो कार्ड्स को यूज़ करते हैं। अब देखिए, वीडियो कार्ड्स जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि जो मॉनिटर के साथ एयर ड्राइव कर सके, और जो हमारे मॉनिटर्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए ताकि वो वीडियो कार्ड्स के जो आउटपुट हैं उसको डिस्प्ले करवा सकें। सो जब भी हम वीडियो कार्ड को चूज़ कर रहे हैं हमारे पीसी के लिए, तो हमें उन तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स और कंपोनेंट्स को बेसिकली माइंड में लेके चलना है, दैट इज़ इट्स प्रोसेसर, इट्स चिपसेट और इट्स बस और इट्स मेमोरी। सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो प्रोसेसर्स। देखिए, वीडियो कार्ड्स के अंदर कुछ हद तक जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और जो भी ऑन बोर्ड हमारे प्रोसेसर्स रहते हैं वो कुछ और सभी के सभी इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं मॉनिटर से। सो कितना लोड जो है, वीडियो लोड जो है हमारा वीडियो कार्ड प्रोसेसर और चिपसेट जो है वो डिपेंड करता है उसकी एज पे, कितना पुराना हमारा वीडियो कार्ड है और इसकी कितनी ज़्यादा कॉस्ट थी। सो जो वीडियो कार्ड है उसमें तीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है ताकि हम इमेज को जनरेट कर सकें फ्रॉम द मॉनिटर। सबसे पहला है फ्रेम बफर। फ्रेम बफर क्या है कि कुछ पुराने कार्ड्स इसमें फ्रेम बफर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, जिसमें हम वीडियो फ्रेम जो था वो डिस्प्ले करता था एट अ टाइम, और फिर वो जो भी सीपीयू था वो छोड़ देता था उसको, और वो ग्राफिक इमेज जो है वो डिस्प्ले करता था। नेक्स्ट था ग्राफिक एक्सेलरेशन। जो वीडियो कार्ड थी वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, दैट इज़ ग्राफिक एक्सेलरेटर। इस टाइप के वीडियो कार्ड्स में जो वीडियो प्रोसेसर थे वो हमें जितने भी राउटिंग, जितने भी कॉमन टास्क जो होंगे जिससे ग्राफिक इमेज जनरेट करनी है, और जैसे सीपीयू जो है वो स्ट्रिक्टली जो भी उसे काम करना और कब करना है तो वो ज़रूरत पड़ती है उसको वो करता है। तो इस तरह की जो वीडियो कार्ड प्रोसेसिंग थी वो हमें यूज़ करते थे पीसीज के अंदर। नेक्स्ट इज़ अ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये बहुत ज़्यादा हाई एंड का वीडियो कार्ड है, और ऑनबोर्ड प्रोसेसर भी जिसे हम कहते हैं, और चिपसेट। इसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें किस तरह से जो डिस्प्ले करवानी है इमेजेस को, और ये सीपीयू को मतलब दूसरे टास्क करने के लिए फ्री कर देता है। वीडियो प्रोसेसर्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं टू कैटेगरीज में, 2D एंड 3D। नॉर्मली एवरी डे जितने भी हम ऑर्डनरी जो भी ग्राफिक्स देखते हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, या स्प्रेड शीट्स हैं, जहाँ बहुत सारी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हैं जिनमें पावर पॉइंट, कॉरल ड्रॉ आ जाती है, तो उसमें सभी में मिनिमम लेवल ऑफ ग्राफिक्स यूज़ की जाती है, दैट इज़ 2D। नेक्स्ट वन इज़ द 3D। 3D जो है हमारी उस तरह की ग्राफिक्स टाइप है जिसमें हम गेम्स वगैरह 3D रेंडरिंग करना, ड्रॉ करना सॉफ्टवेयर को, और 3D ग्राफिक्स और प्रोसेसर जो कमांड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है ताकि उनको हम जनरेट कर सकें, नॉट स्टैंडर्ड वन। सो कुछ 3D प्रोग्राम्स, गेम्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं विद एवरी विद वीडियो कार्ड। सो वीडियो बस क्या है, वीडियो कार्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं PCI और AGP बस आर्किटेक्चर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो जो PCI बस है वो प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करती है, और वो वीडियो जो है वो फास्ट हमें बना के देगी, और जो AGP बस है वो हमें हायर बैंडविड्थ और उसकी जो फ्रेम रेट है वो भी बता पाई हाई है, और इसकी डायरेक्ट लाइन है टू दी रैम, सो ये प्रॉपरली प्रिपेयर करेगी हमें 3D इमेजेस को और टेक्स्चर्स को। नेक्स्ट इज़ अ वीडियो रैम, देखिए जिसे हम VRAM भी कहते हैं। सो वीडियो रैम जो है वो दो पर्पजेस करता है हमारे वीडियो कार्ड के अंदर। पहला है कि वो बफर की तरह एक्ट करेगा हमारे CPU और डेटा बस और मॉनिटर्स के बीच में। दूसरा ये कि वो सारा का सारा वर्क करेगा, जो भी हमारा वीडियो प्रोसेसर, जो भी चिपसेट, जो भी उसे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके साथ साथ उसकी ग्राफिक इमेजेस को एज ए एनालॉग सिग्नल देगा फॉर दी मॉनिटर। तो कुछ वीडियो कार्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड वाले हैं जिसमें एटलीस्ट 16 MB ऑफ मेमोरी जो है हमें चाहिए, और ये 64 MB तक जो है VRAM जो है वो कंज्यूम करेगा। सो जो स्टैंडर्ड मेमोरी है हमारे मोस्टली PCs के अंदर वो किस तरह की मेमोरी यूज़ करते हैं, दैट इज़ ST RAM। तो जो VRAM है वो STR भी हो सकती है, दैट इज़ सिंगल डेटा रेट एंड विच इज़ लेस एक्सपेंसिव, जो कम एक्सपेंसिव है देन द DDR से। DDR इज़ अ डबल डेटा रेट। सो जो DDR मेमोरी है वो इंक्रीज़ कर गई अपनी बैंडविड्थ, उसकी ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जो वीडियो मेमोरी है वो डुअल पोर्टेड है, मतलब कि इसमें हम
सेम टाइम पे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। सो सीपीयू जो है उसको अलाउ करता है कि वो राइट करे वीरैम के अंदर जब भी मॉनिटर जो है रीड कर रहा है। और उसके साथ साथ जो वीडियो रैम है वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है ऑन हाई एंड ग्राफिक्स पैकेजेस में, जैसे रैम बस मेमोरी कहते हैं। सो ये मोस्टली ज़्यादा ऑपरेट होती है ज़्यादा पे देन द वीरैम से। नेक्स्ट इज़ द एवी आउटपुट्स। तो जो भी हम स्टैंडर्ड आउटपुट पोर्ट यूज़ कर रहे हैं हमारे मॉनिटर्स के अंदर और जो वीडियो कार्ड्स उनके अंदर इंक्लूड की गई हैं, ताकि हम एडिशनल आउटपुट पोर्ट्स जो है यूज़ कर सकें, हम कनेक्ट कर सकें वीडियो कार्ड को टीवी के साथ, वीसीआर के साथ और प्रोजेक्टर के साथ। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा वीडियो आउटपुट पोर्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कंपोजिट भी हो सकता है। सो जो कॉमन टाइप है वीडियो आउटपुट की, दैट इज़ एसवीडीओ। तो ये जो कंपोजिट वीडियो है वो सपोर्ट करती है गुड इमेज क्वालिटी, हमें गुड इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ एक गुड इंटरफेस प्रोवाइड करती है जो वर्चुअली हम टीवीज और वीसीआर के बीच में, और एस वीडियो जो है वो एक हाई क्वालिटी डिस्प्ले इंटरफेस है और ये प्रोड्यूस करती है बेटर कलर एंड रेजोल्यूशन दन दी कंपोजिट वीडियो। नेक्स्ट वन इज़ अदर वीडियो आउटपुट्स। तो जो भी हमारे पास मिसलेनियस आउटपुट पोर्ट्स और इंटरफेसेस हैं सम वीडियो कार्ड्स में, जैसे कि वीआर गूगल्स हैं, तो ये पोर्ट जो है वो सपोर्ट करता है जो भी वीडियो फॉर्मेटेड की जाती है वीआर गूगल से और इन्हांस करता है उसकी डेप्थ परसेप्शन जो भी स्टैंडर्ड मॉनिटर की। नेक्स्ट इज़ डीवीडी। डीवीडी को हम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क कहते हैं और ये जो ड्राइव्स होती हैं वो उन्हें चाहिए होता है कि स्पेशल इनकी वीडियो इंटरफेसेस और हाई एंड वीडियो कार्ड्स पोर्ट्स के साथ, ताकि हम डीवीडी ड्राइव को सपोर्ट कर सकें, MPG2 डिकॉर्डर कार्ड इंटरफेसेस को सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट इज़ टीवी ट्यूनर। टीवी ट्यूनर जो है ये ऐसे पोर्ट्स हैं जो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं ताकि वो वीडियो स्ट्रीम्स को रिसीव कर सके टीवी से, वीसीआर डिस्क, लेज़र डिस्क से और टीवी केबल फीडर एंटीना से। नेक्स्ट इज़ SLI। SLI जो है दैट इज़ स्कैन लाइन इंटरलीविंग। तो इस इंटरफेस से दो 3D हमारी एक्सेलेशन कार्ड्स जो है वो डिवाइड करती हैं हमारे मॉनिटर डिस्प्ले को और शेयर हो जाता है लोड, ताकि जो इमेज डिस्प्ले होकर आएगी बिटवीन द टू कार्ड्स, दोनों कार्ड्स में लोड शेयर हो जाएगा और उससे हमारी इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी। So that's all friends. Thank you very thank you, and if you have any query you can ask in the comment section.